very good morning to all welcome to staying at home study program here i'm sarjit kaur this is a science lecture for class sixth this is the fi fifth lecture of the chapter two in the last lecture uh, we have studied about about stem modification of stem and functions of stem today we will continue our next topic द लीव्स सो लेट्स कॉन्टिन्यू दिस टॉपिक लीफ सब ने देखे होंगे लीव्स राइट आज हम उसके लीव क्या होता है वो कहाँ पर ग्रो करते हैं उसका फंक्शन क्या है <coughs> वो आज सब हम इस टॉपिक में कवर करेंगे राइट लीफ इज अ ग्रीन फ्लैटड स्ट्रक्चर दैट अराइज फ्रॉम द नोड ऑफ स्टेम एंड ब्रांच लीव क्या होता है एक ग्रीन कलर का फ्लैटेड कैसा उसकी शेप कैसी होती है इस ये फ्लैट टाइप का है राइट right? फ्लैट जो किस कहां पे राइजेस होते हैं नोड ऑफ द स्टेम ये यहाँ पे जो ये वाली नोड होगी ना एक नोड no, से, से जो स्टेम के नोड से जो ग्रो करते हैं दैट कॉल्स द लीव्स राइट मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज कॉल्ड द फ्लोटेक्सी राइट जो इसके जो अरेंजमेंट है कहाँ कैसे इसकी जो लीव्स की अरेंजमेंट है उसको क्या बोलते हैं फिलोटेक्सी राइट इसका फंक्शन क्या है इट हेल्प द प्लांट टू रिसीव मैक्सिमम सनलाइट जिसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है वो क्या करती है जो सनलाइट आ रही है देखो यहाँ से सपोज यहाँ से सनलाइट आ रही है जो ये वाले प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे मैक्सिमम सनलाइट को अब्जॉर्ब कर लेंगे राइट right? इट इज रेफर एज द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट एज इट प्रपेयर फूड फॉर द प्लांट बाई द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इनको लीव्स को क्या कहा जाता है जादो इसको बोलते हैं फूड फैक्ट्री राइट और किचन ऑफ द प्लांट ऑल्सो क्या कहते हैं लीव्स को इन स्मॉल क्लासेस में तो बोलते थे कि किचन ऑफ द प्लांट किसको कहते हैं लीब्स को और अब इसी किचन ऑफ प्लांट भी कह सकते हैं और फूड फैक्ट्री भी कह सकते हैं इसको किसको लीव्स को किसकी प्लांट्स की एंड क्यों कहते हैं इसको बिकॉज जो फूड है प्लांट का जो फूड किस पार्ट में प्रिपेयर होता है लीव्स में लीव्स में उसका जो पूरा फूड प्रिपेयर करने का प्रोसेस होता है वो लीव्स में होता है दैट्स वाई इट कॉल्स द फूड फैक्ट्री और द किचन ऑफ द प्लांट राइट

जो बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है सी हियर यहाँ पे बिल्कुल नीचे वाला पार्ट है दैट कॉल्स द लीप जो स्टेम के साथ नोड के साथ अटैच होता है दैट कॉल्स द लीप बेस लीप ब्लेड क्या होते हैं द ग्रीन फ्लैटर्ड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लेमिना ऑफ लीप ब्लेड ये पूरा कंप्लीट ये वाला इस इस पूरे कंप्लीट पार्ट को क्या बोला जाता है leaf blade right next is petiole the stack of leaf with which it is attached to node is called the petiole dekho ye wala part hai jo ye wala part hai jiski help se kya hota hai jo leaf hai wo uske node ke sath attach hota hai that calls the petiole next is midrib and veins द लेमिना पोजिस नेटवर्क ऑफ प्रमिनेंट लाइन्स कॉल्ड वेन्स एंड मिड्रिप अंटिन्यूस ऑफ द पेटिहोल इज द सेंटर वेन ऑफ द लीफ स्मॉलर वेन ग्रो फ्रॉम द मिड्रिम लेट्स आप सबको ये वाली लाइन दिखाई दे रही होगी आई थिंक सो राइट ये इस वाली जो सेंटर लाइन है इसको क्या बोलते हैं वेन सॉरी क्या बोलते हैं सेंटर वाली लाइन को क्या बोलते हैं मिड्रिप क्या बोलते हैं इसको मिड्रिप जो साइड्स पे ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ऑफ लाइंस है ये देखो इस साइड पे भी है यहां पे भी है उसको क्या बोला जाता है जो साइड्स वाली लाइंस है दैट कॉल्स द वेंस क्या बोलते हैं इसको वेंस जो सेंटर लाइन है दैट कॉल्स द मिड्रिप राइट अब लीप बेस का भी पता चल के जो सबसे इस लीफ पार्ट के यहाँ पे कर्जर मूव नहीं हो रहा जो नीचे वाला पार्ट है देखो यहाँ पे लीफ बेस वो भी पता चल गया जिस जो स्टेम के साथ लीफ को अटैच करता है दैट कॉल्स द लीफ बेस जो ग्रीन पार्ट है डेट कॉल्स द लीफ ब्लेड पैटिकुल क्या है जो लीफ को नोड के साथ अटैच करता है ये वाला पार्ट है राइट मिड रिब जो सेंटर में होती है ये वाली और वेंस जो नेटवर्क ऑफ लाइन्स हैं ये दो बहुत साइड पे दैट कॉल्स वेन्स राइट सो नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इसी की पार्ट है विनेशन एंड इट्स टाइप विनेशन क्या होता है वेंटिलेशन तो सब ने सुना होगा विनेशन न्यू वर्ड्स है आप लोगों के लिए वेंटिलेशन क्या होता है जो वेंटिलेटर्स होते हैं राइट वेंटिलेटर्स मीन्स यहाँ से एयर क्रॉस करती है दैट कॉल्स द वेंटिलेटर्स राइट यहाँ पे हम बात करें वेनिये एंड इट्स टाइप्स की वेनिएशन क्या होता है द अरेजमेंट ऑफ वेंस इन आ लीफ इज कॉल्ड देश वेन क्या थी वेन जो साइड्स में ये वाली लाइन्स हैं लीफ के ऊपर दैट कॉल्स द वेन अब इन्हीं वेंस का जो अरेन्जमेंट है दैट कॉल्स द वेनिशंस राइट कितनी टाइप के होती हैं टू टाइप के पैरल वेनिएशन एंड रेटिकुलेट वेनिएशंस राइट फर्स्ट इज पैरल वेनिएशन पैरल वेनिएशंस क्या होती हैं इफ़ द वेन्स आर अरेंज पैरल टू ईच अदर इन अ लिव फ्रॉम द बेस ऑफ बेस टू द टिप जो नीचे से लेके नीचे यहाँ से देखो इस पार्ट से लेके बेस से लेके टॉप तक वो पैरल हो एक दूसरे की जो लाइंस हैं वो सीधी स्ट्रेट लाइंस हो एक दूसरे के पैरल में हो राइट दैट कॉल्स द पैरल वैनिएशंस राइट फॉर एग्जाम्पल पैरल वैनिएशन किन किन प्लांट्स में होती है किन किन लीव्स में होती है मेज मक्का ठीक है उनके आप ये तो आपके आस पड़ोस आस पास के फील्ड्स में होगा आप देख लेना उसको बनाना का जो वो होता है लीव होता है उसके भी पैरल वेनिएशंस होते हैं एंड अनियन इन तीनों के मीन्स ये एग्जाम्पल्स किसकी हैं पैरल वेनिएशंस की मीन्स जो इसकी बीन्स हैं वो क्या होती हैं पैरल टू ईच अदर राइट रेक्टुलेट मींस मीन्स वेन वेन इन वेन्स इन लीफ आर अरेंज इन इरेगुलर नेटवर्क लाइक पैटर्न जो इरेगुलर मीन्स जिसका कोई अता पता नहीं कोई इस साइड पर जा रही है कोई उस साइड पर जा रही है कोई इधर जा रही है कोई उधर जा रही है किसी का कोई स्ट्रेट पैटर्न नहीं है दैट कॉल्स द रेक्टुलेट रेक्टुलेट वेनिएशन देखो लास्ट वाले लीप्स में मैंने दिखाया था कोई साइड पे जा रही है यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा सो लेट्स यहाँ पे देखो जो ये वाली हैं कोई इधर जा रही है कोई इधर जा रही है कोई इधर जा रही है कोई इधर जा, जा, जा रही है ये क्या है रेक्टुलेट वेनिएशंस अगर मिड रेब के पैरल में ऐसे ऐसे सीधी सीधी लाइंस हो दैट कॉल्स द पैरल वैनिएशंस राइट इसकी एग्जाम्पल क्या होगी रेक्टूलिट वैनिएशंस की पीपल का पीपल के जो लीब्स होते हैं उसमें देख लेना मैंगो लीव मैंगो ट्री के जो लीब्स होते हैं उसमें देख लेना देट आर द रेक्टूलेट वैनिएशंस राइट नेक्स्ट इज फंक्शन फंक्शंस ऑफ लीव लीब्स हैज मेन थ्री फंक्शंस कितने फंक्शंस हैं इसके थ्री फंक्शंस हैं कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग फूड फॉर द प्लांट एक तो है कि फू जो प्लांट्स हैं वो फूड को प्रिपेयर करते हैं राइट नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस गैसेस की जो एक्सचेंज मीन्स uh, जैसे हमारे पास प्लांट से क्या मिलते हैं डे टाइम में ऑक्सीजन मिलती है राइट कार्बन डाइऑक्साइड को वो कंज्यूम करते हैं देट इज़ द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज नेक्स्ट इज ट्रांसपीरिएशन क्या है नेक्स्ट इज ट्रांसपीरिएशन सो लेट लेट्स एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट दिस फंक्शंस सो कंटिन्यू विद फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग फूड फॉर द प्लांट प्लांट में जो फूड है वो कैसे प्रिपेयर होता है कैसे मैन्युफैक्चर होता है राइट सो यहाँ पे हम इमेज के थ्रू देखेंगे द लीव्स ऑफ प्लांट्स आर यूजली ग्रीन इन कलर जो लीव्स होते हैं सारे प्लांट्स के मोस्टली क्या होते हैं वो ग्रीन इन कलर होते हैं क्यों होते हैं किसकी किसकी वजह से होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट किसकी वजह से जो इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं क्लोरोफिल क्या बोलते हैं उसको क्लोरोफिल क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स ट्रैप सोलर एनर्जी जो ये वाला क्लोरोफिल है वो क्या करता है जैसे यहाँ पे सनलाइट आ रही है उस सनलाइट को क्या करेगा ये ट्रैप करेगा मीन्स अपने अंदर ले लेगा राइट सोलर एनर्जी को एंड हेल्प इन प्रिपेयरिंग फूड फॉर द प्लांट्स एंड फूड प्रिपेयर करने में उसकी क्या करता है हेल्प करता है सो द प्रेजेंस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सनलाइट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस यहाँ पर जो पूरा प्रोसेस दिया हुआ है वो किस चीज़ का दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस का जो सनलाइट है सनलाइट यहाँ पे पड़ रही है लीव्स के ऊपर में राइट right? तो so, ये क्या कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले रहे हैं वाटर है वो कहाँ से ले रहे हैं रूट से इन तीनों की वजह से फूड प्रिपेयर करने के लिए मेन क्या चीज़ चाहिए होती है प्लांट्स को सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वाटर कहाँ से मिल रहा है रूट से कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एंड सन एनर्जी सनलाइट कहाँ से सन से मिल रही है और जब फूड प्रिपेयर करते हैं देन रिलीज क्या करते हैं ये ऑक्सीजन क्या रिलीज करते हैं ऑक्सीजन राइट ये कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड द द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सनलाइट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस, क्या बोलते हैं इसको फोटोसिंथेसिस सो नेक्स्ट इज सो नेक्स्ट मैंने बता दिया कि यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है राइट right? ऑक्सीजन इज रिलीज थ्रू द स्टोमेटो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस राइट द कंडक्टिंग ट्यूब ऑफ द फॉलम फॉलम हेल्प इन कैरिंग फूड प्रिपेयर बाय द लीव टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट लास्ट लेक्चर में हमने फॉलन एंड एंडलम के बारे में पढ़ा था राइट जो कंडक्टिंग ट्यूब हैं फूड को लेके जाते हैं दैट कॉल्स द एक्साइलम उसी को कहा था ना हमने जो फूड को कैरी करती हैं दूसरे प्लांट्स के प्लांट के पार्ट्स में डेट कॉल्स द एक्साइलम फॉलन एक्साइलम क्या था जो रूट्स के द्वारा वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब किए जाते हैं उसको जो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट है वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है जाइलम राइट right? सो द एक्सेस अमाउंट ऑफ नेक्स्ट इज द एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड इज़ स्टोर फूड तो प्रिपेयर हो गया वहाँ पर जो एक्सेस फूड है वो कहाँ पर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टैच किसकी फॉर्म में सेव होते हैं वो स्टोर uh, होते स्टैच की फॉर्म में फूड इज़ स्टोर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लान्ट लाइक रूट स्टेम लीव्स एंड फ्रूट्स इनकी फॉर्म में क्या हो जाता है वो जाके फूड स्टोर एक्सचेंज ऑफ गैसेस द लीव ऑल्सो है ओपनिंग्स और होल्स और पोरस छोटे छोटे होल्स होते हैं पोर्स होते हैं डेट कॉल्स द स्टेमेटा स्टोमेटा क्या बोलते हैं इसको स्टोमेटा कहाँ पे होते हैं अंडर इट्स सर्फेस जो लीव है उसके अंडर नीचे वाले सर्फेस में होते हैं राइट right? दे आर लोकेटेड ऑन द टॉप और लोअर सर्फिस ऑफ द लीफ डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ प्लांट्स और ये कहाँ पर भी होते हैं या तो टॉप पे भी होते हैं या लोअर सर्फिस पे भी होते हैं किस पे डिपेंड करता है ये कैसी टाइप का वो प्लांट है राइट दे ओपन एंड क्लोज टू हेल्प इन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस सच एज एक्सचेंज ऑफ गैस एंड ट्रांस ट्रांसपीरेशंस किस किस चीज़ में ये करते हैं इसका स्टोमेटा का रोल कहाँ पे प्ले होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपीरिएशंस टू तो द नाइट आ, वो क्या होता है जब वो फूड प्रिपेयर कर रहे थे लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा कि जब फूड प्रिपेयर कर रहे हैं वो एटमोसफेयर से एयर से क्या कंज्यूम कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज क्या कर रहे थे ऑक्सीजन एंड थ्रू आउट द नाइट नाइट में क्या होता है सन लाइट नहीं होती और फूड प्रिपेयर नहीं होता राइट right? देन क्या करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन ऑक्सीजन को लेते हैं एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट है ह्यूमन से ह्यूमन ऑल टाइम क्या करते हैं ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं प्लांट्स का क्या है डे टाइम में सन लाइट होती है वो फूड प्रिपेयर करते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और ड्यूरिंग uh, नाइट क्या होता है ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं राइट इसीलिए कहा जाता है कि नाइट के टाइम uh, में प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए राइट विकॉज वहाँ पे uh, जो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है सो टेक टेक एयर टेक फ्रेश ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड गिव वॉट ऑक्सीजन राइट हमने एक्सप्लेन कर ही लिया ये तो नेक्स्ट इज ट्रांसपीरेशन ट्रांसपीरेशन क्या होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपीरिएशन जो वाटर का लॉस है फ्रॉम द स्टोमेटा उसको क्या बोलते हैं ट्रांसपीरेशंस एंड इट इज इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लीब्स ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लीप्स का राइट वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स रीच लीव्स विद द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग ट्यूब्स कॉल्ड याइलम याइलम के थ्रू क्या होता है वो जो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं वो जाइलम के थ्रू लीव्स तुर, uh, तक पहुंच जाते हैं जो वाटर होते हैं सिर्फ उसमें उसको क्या करते हैं वहाँ से ही लॉस करते हैं मच ऑफ द वाटर इवैपोरेट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा ऑफ़ द प्लांट ज़्यादातर वाटर होता है वो क्या करते हैं जो वाटर वेपर्स होते हैं उसकी फॉर्म में रिलीज हो जाता है राइट सो so, आज हमने क्या क्या स्टडी किया स्टेम लीफ क्या होते हैं और उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और उसके तीन मेन फंक्शंस हमने किए कौन कौन से थे